सब्सक्राइब कीजिए सभी ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को सभी नई नई टिप्स एंड ट्रिक सबसे पहले सीखते रहने के लिए। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सभी ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने मोबाइल को कंप्यूटर कैसे बनाएं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। और साथ ही घंटी का जो आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोज दिन मिलता रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी मेरा मोबाइल देखने में बिल्कुल ही कंप्यूटर की तरह लग रहा है और ये सारा काम भी कंप्यूटर की तरह ही करता है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे दिस पीसी है। अगर जो हम इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं जिस तरह से कंप्यूटर में ओपन होता है उसी तरह से यहाँ पर मेरे मोबाइल में भी ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर जो हम पिक्चर को ओपन करते हैं, उसके बाद पिक्सआर्ट को ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से कंप्यूटर में पिक्चर ओपन होता है सेम उसी तरह से यहाँ पर मेरे मोबाइल में भी ओपन हो रहा है। जिस तरह से कंप्यूटर में फोटो के नीचे फोटो का साइज दिखता है उसी तरह से मोबाइल में भी फोटो के नीचे में फोटो का साइज बता रहा है। जिस तरह से आपको कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है उसी तरह से आपको यहाँ मोबाइल में भी कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जिस तरह से आप कंप्यूटर में एरो पे क्लिक करके आप बैक होते हैं उसी तरह से यहाँ भी आप मोबाइल पर भी आप एरो पे क्लिक करके बैक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब कि यहाँ पे आपको सारा का सारा फीचर कंप्यूटर वाला आपको अपने के मोबाइल पर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी चाहते हैं कि आपको अपने मोबाइल को कंप्यूटर बनाना, तो उसके लिए आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस ऐप का नाम और कहां से इंस्टॉल करना है मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस ऐप का सारा सेटिंग बता देता हूँ ताकि आपको इस ऐप को यूज करने में कोई दिक्कत ना हो। आप सारा इस ऐप का सेटिंग समझ लीजिए ताकि आपको अपने मोबाइल को कंप्यूटर की तरह चलाने में कोई दिक्कत नहीं होए। तो फ्रेंड, जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करके जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप दिस पीसी पे क्लिक करके आप फोटो वीडियो ऑडियो वहाँ से आप दिस पीसी को ओपन करके आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आपके मोबाइल के सारे ऐप अगर जो निकालना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे कोने में एक आइकन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा ऐप आपका दिखने लगेगा। तो आपको जिस भी ऐप को ओपन करना होगा यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आइकन मिल जाएगा मैसेज, कॉल और क्रोम। तो अगर जो मैसेज के आइकन पे आप क्लिक करते हैं तो मैसेज आपका ओपन हो जाएगा। डायलर के आइकन पे आप क्लिक करते हैं तो आपका डायलर ओपन हो जाएगा। और क्रोम के आइकन पे अगर जो आप क्लिक करते हैं तो आपका क्रोम ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने ऐप को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आइकन आपको जो मिल जाता है तो अगर जो आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका रिसेंट ऐप यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक जो तीर का आइकन मिल जाता है ऊपर की तरह, यहाँ पर अगर जो आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपना बैटरी परसेंटेज, ब्लूटूथ और वॉल्यूम यहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे आपको यहां पे टाइम और डेट यहां पे आपको दिखेगा जिस तरह से कंप्यूटर में दिखता है। फ्रेंड्स, यहां पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन बार यहां से आप देख सकते हैं। यहां एक चौकोर का आइकन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपना नोटिफिकेशन बार देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ सेटिंग। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि ये सब सेटिंग पाने के लिए, ये फीचर का मजा लेने के लिए आपको कौन सा ऐप इंस्टॉल करना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल को कंप्यूटर बनाने के लिए आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका कि नाम है, बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना होगा कंप्यूटर लॉन्चर, और टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना होगा। तो ये ऐप इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपके सामने सारा का सारा फीचर आपको कंप्यूटर वाला आपको अपने मोबाइल में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर की तरह चला सकते हैं, आप अपने मोबाइल पर कंप्यूटर का मज़ा ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी यह तरीका पता चले। तो ऐसे ही नई नई ट्रिक सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज दिन देखिए नई नई वीडियो, रोज दिन सीखिए नई नई ज्ञान। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।